बेसिकली हमारी जो पब्लिक है उनको कैंसर के बारे में इतना आइडिया नहीं है कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत जल्दी स्प्रेड करती है और बहुत जल्दी पूरी बॉडी में इन्वॉल्व करके पेशेंट के लिए ये बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। अगर बॉडी के किसी भी पार्ट पे कोई ऐसी स्वेलिंग है या फिर कोई ऐसी गिल्टी उनको महसूस हो तो एक छोटी सी इन्वेस्टिगेशन है जो कि आप करा सकते हैं, जिसको FNAC बोलते हैं, पाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। इसका मतलब ये होता है कि जो भी गिल्टी है या कोई सोजन है किसी पार्ट में, वहाँ से हम सिरिंज के थ्रू एक एस्पिरेट लेते हैं और वो जो हम एस्पिरेट लेते हैं या मवाद लेते हैं उसको हम स्प्रेड करके स्लाइड पे माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। इससे बेसिकली हमें विदिन 1 to 2 days ये पता चल जाता है कि वो जो मरीज़ है उसकी बीमारी किस नौयत की है, क्या वो बीमारी कोई ख़तरनाक बीमारी है या फिर उसकी कोई कैंसर या मेलिग्नेंसी के चांसेस हैं उसमें। थोड़े से टाइम में आपको ये आइडिया हो जाता है कि मरीज़ किस किस्म की बीमारी से सफ़र कर रहा है, और ये उसके लिए भी बहुत ही कन्वीनियंट एक तरीका है, क्योंकि ना तो इसमें किसी किस्म का पेन होता है और ना ही कोई एनेस्थीजिया देना पड़ता है, और बहुत रैपिडली आप इस टेक्निक के थ्रू पेशेंट की बीमारी के बारे में उसको बता सकते हैं कि वो किस नौयत की बीमारी है। सेहत आपकी जिम्मेदारी हमारी। डॉक्टर अकबर नियाजी टीचिंग हॉस्पिटल।